आज हम लोग दही की मलाई पर से छाछ या मट्ठा तैयार कर जाए। तो हम लोग गांव में छाछ या मट्ठा किस तरह से बनाया जाए एक विधि हम अपनी भाषा भोजपुरी में शेयर करे जाते हैं। तो यदि आप लोगों की ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवे तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है इसने और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार सखी तुम्हारा, आप सब लोगों का हमारे भोजपुरी सखी चैनल में बहुत बहुत स्वागत। छाछ या मट्ठा दही की मलाई पर से तैयार करके है तो सबसे पहले दही का आवश्यकता लगी। तो यहाँ पर हम 1.5 लीटर भैंस के दूध से पहले से दही जमा के रख ले रनी है। और ये दही के जमा के हम फ्रिज में रख दे ले रनी है। तो फ्रिज में रखे की वजह से ये दही का मलाई काफ़ी मोटी हो गई है। तब एक मलाई निकाल लेवे के है। इसी तरह से 4 से 5 दिन का दही जमा के मलाई के निकाल के फ्रिज में रख ली। और जब आपके मट्ठा बनाए के रही तो मलाई से मट्ठा बना ले तो आपका मट्ठा एकदम बढ़िया बनके तैयार हो जाए। दही या दूध कौन सा भी मलाई आप इकट्ठा कर रहे हैं तो ओके फ्रिज में रखें। कैसे कि फ्रिज में रखे से मलाई का स्वाद खराब ना होला। यदि बाहर आप फ्रिज के रखब तो मलाई का स्वाद खराब हो जाला। तो यहाँ पर हमारे 4 दिन का मलाई पहले से तैयार रह लिया और हमें ये 5वें दिन का मलाई भी हम निकाल के रख लेते हैं। अब इसे हम लोग मट्ठा बना लिया जाए। फ्रिज में रखे के कारण ही मलाई का तापमान एकदम ठंडा है। तो मलाई के थोड़ा सा गर्म कर लेवे के है। तो गैस के एकदम हल्की आँच पर खोल के ये मलाई वाले बर्तन के 2 से 3 मिनट तक गैस के आँच पर रह दें। उसके बाद गैस के बंद कर दें और ये मलाई के उतार लें। अब ये मलाई के किसी बड़े बर्तन में पलट लें। तो बस अब एक थे मखनी ले लेवे के है। हम लोग के यहाँ एक मखनी कहल जाला, बहुत जगह के रावी या मथनी भी कहल जाला। तो ये मखनी से ये मलाई के बढ़िया से महे के है। एक क्रिया के हम लोग के यहाँ महल कहल जाला। और आप लोग के यहाँ कहाँ कहल जाला हमके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो बस इसी तरह से मलाई के महत रहें तो आप लोगों का ये मट्ठा बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाए। सबसे पहले तो इनमें से मक्खन निकली। तो बस इसी तरह से आप मखनी के ज़ोर ज़ोर से चलावत रहें तो 10 से 15 मिनट के अंदर पहले आपका मक्खन निकल के तैयार हो जाए। फ्रिज में रखे के कारण ये मलाई का तापमान जो है बहुत ठंडा हो जाला। लेकिन जैसे जैसे ये मखनी से ये मलाई में रगड़ होले तो मलाई गर्म होले और गर्म होके के कारण मलाई में से मक्खन अलग होके लगेला। तो अब मलाई महत हमके 10 मिनट के करीब हो गल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे मक्खन अलग होके लगल है। बस थोड़ा सा और घुमा लेवे के तो आपका मक्खन एकदम अलग हो जाए। ये मक्खन और मट्ठा बनाने का हम लोग का गाँव वाला तरीका है। इस तरह से यदि आप मक्खन और मट्ठा बनाओ थे तो मक्खन और मट्ठे का स्वाद बहुत बढ़िया होला। तो अब यहाँ पर हमारे मलाई में से मक्खन एकदम निकल के अलग उगल है। अब इमें एकदम ठंडा पानी मिलाए के तो यहाँ पर हम फ्रिज का 1 गिलास पानी में डाल देते हैं। ठंडा पानी डाले के कारण ये मलाई में से मक्खन एकदम जल्दी से अलग हो जाला। यहाँ पर आप चाहें तो बर्फ़ का टुकड़ा भी डाल सकें ना, जैसे मलाई का तापमान एकदम ठंडा हो और मक्खन एकदम ठंडा होके अलग हो जाए। यदि आप मक्खन ठंडी के मौसम में निकाला थे तो थोड़ा सा हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। हल्का गर्म पानी डाले से मक्खन बहुत जल्दी मलाई से अलग हो जाला और मट्ठा जल्दी से बनके तैयार हो जाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 दिन के मलाई से कितना अच्छा मक्खन और मट्ठा दोनों तैयार हो गल। तो ये मक्खन के निकाल लेवे के और ये मक्खन के जला के घी भी आप तैयार कर सकेला। और ये जोन नीचे मट्ठा बचल है एक आप गुड़ या चीनी के साथ पी सकेला या फिर सादा भी पी सकेला। ये पिए में बहुत स्वादिष्ट भी होला और ये गर्मी के मौसम में बहुत ठंडा भी करेला। तो ये मट्ठा में हम थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, कैसे कि मट्ठा भी बहुत गाढ़ा है और पानी डाले से ये जो मक्खन हम लोग का बनके तैयार भला ये मक्खन भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर और 1 गिलास हम ठंडा पानी डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा मक्खन निकाल के हो गल है। अब आप एक सादा पी सकी ना, गुड़ के साथ भी पी सकी ना। हम लोग के गाँव में एक गुड़ के साथ पिए चला। गुड़ के साथ पिए में एक स्वाद भी बहुत अच्छा लगेला। और गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होला और मट्ठा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होला तो आयरन और कैल्शियम का कमी भी दूर हो जाले। और यदि गर्मी में आपके बहुत थकान महसूस होती है और आप ये छाछ के पिए थे तो आपके एकदम स्फूर्ति महसूस होके लगे ले। तो आशा है कि आप लोगों की ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हुई। तो मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।